और वही गौतम गंभीर की जलेबी और पोहा खाते हुए एक तस्वीर जब वायरल हुई तो हंगामा मच गया। आम आदमी पार्टी ने तस्वीर को ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली का दम निकल रहा है और गौतम गंभीर जलेबी खा रहे हैं। सांसद गौतम गंभीर ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जलेबी का स्वाद उनके लिए इतना कड़वा हो जाएगा। यही वो तस्वीर है जिस पर बवाल मचा है और कभी फ्रंट फुट पर धुआंधार स्टैक लगाने वाले गंभीर बैक फुट पर आ गए हैं। दिल्ली के प्रदूषण पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर अर्बन डेवलपमेंट की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कमेटी के सभी सदस्यों और अफसरों को जाना था, मगर हैरत की बात ये रही कि बैठक में 30 में से केवल 5 सदस्य ही पहुंचे। गौतम गंभीर भी इस कमेटी का हिस्सा है, वो भी इस बैठक से गायब थे। बाद में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के साथ उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो पोहा और जलेबी खा रहे थे। बस फिर क्या था, गौतम गंभीर ट्रोल हो गए। आम आदमी पार्टी ने मौके को लपक लिया और जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, दिल्ली प्रदूषण के कारण बेदम है और गौतम गंभीर इंदौर में मस्ती करने में बिजी है। सांसद को दिल्ली आना चाहिए और वायु प्रदूषण पर हो रही मीटिंग में शामिल होना चाहिए। मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि एमसीडी, डीडीए, पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली के सांसद नदारद रहे। इसके बाद सांसद गौतम गंभीर ने बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज भरे लहजे में निशाना साधा और कहा कि अगर मुझे गाली देने से दिल्ली का प्रदूषण कम होता है तो आप मुझे जीभ भरकर गाली दीजिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मेरे शहर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को मेरे काम से जज करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से गंभीर का एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था, दिल्ली बेदम है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।